में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको समय की बड़ी खबर बताने जा रहा हूं कि बीती रात को बीएपुर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ आम ड्यूटी मारपीट की जाती है, और जो हमें जानकारी सूत्रों से मिली है कि डॉक्टर अस्पताल में ये ऑन ड्यूटी थे, और वहीं कुछ लोग जो है एक मरीज को लेकर आते हैं, और जब डॉक्टर मरीज की जांच कर रहे होते हैं तो उसके दौरान ही किसी बात को लेकर डॉक्टर के साथ हाथापाई ही नहीं बल्कि डॉक्टर को मारा भी जाता है, जिसके बाद अस्पताल में जो पुलिस को जो है जानकारी दी, पुलिस पहुंची, उसके बाद अस्पताल का स्टाफ भी यहां पर पहुंचा, और उसके बाद जो एप्लीकेशन एक मामला लिखित शिकायत जो डॉक्टर ने अपना पुलिस को दी, और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। और आज सुबह आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि बाहर तस्वीरें दिखाएं, जब पूरा अस्पताल का स्टाफ डॉक्टर सभी धरने पर बैठ चुके हैं, पूरी तरह से इन्होंने जो सेवाएं हैं अस्पताल की बंद कर दी गई है, लेकिन हमें जो जानकारी दी गई है उनकी तरफ से कि हम भी इंसान हैं और जहां पर आ रहे जो मरीज हैं वह परेशान हैं, तो उनके लिए एमरजेंसी सेवा फिलहाल शुरू रखेंगे, लेकिन जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक जो धरने पर ही बैठे रहेंगे। मेरे साथ भाई डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या हुआ। डॉक्टर संदीप, रात को आप ड्यूटी पे थे, क्या सारी बात हुई बुक कर बताएं। एक्चुअली रात को कोई 7:45 बजे एक पेशेंट आता है, फीमेल पेशेंट, हम उसको ट्रीट कर रहे थे वहां पर, तो एक इंजेक्शन उसको हम लगाते हैं, उसके बाद में पर्दे के बाहर मैंने इनको बोला, सिस्टर को मैंने बोला अभी इसको रहने दो, अभी वो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है इसको। वो 3-4 लड़के बाहर खड़े थे, उनको पता नहीं क्या समझ में आया, जैसे मैं बाहर आया तो मेरे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, मेरे को पीटना शुरू कर दिया बिना किसी वजह, पूछ भी रहा हूँ उनसे कि मेरे को मार क्यों रहे हो। उसके बाद उन्होंने एक लेडी को आगे कर दिया, वो मेरे को मारने लगी, कभी वो मारे कभी वो मारे, मतलब कि अगर बीम बीच में नहीं पड़ता मेरा, मतलब पैरामेडिक्स का वो तो मेरे को मतलब मार ही गए थे एक तरह से, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ही नहीं है, हमने क्या मतलब नाइट ड्यूटी में क्या करनी है यहाँ पर। क्या कहना था उनका कि किस बात को लेकर उन्होंने, पता नहीं उनको क्या मतलब ट्रीटमेंट समझ नहीं आई, या पता नहीं क्या उनको लगा कि भाई एक आपने इंजेक्शन लगा दिया इसको, ठीक है और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक, और ऊपर से वो पीए वो डोनेशन भी मेरे ख्याल से उन्होंने किया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पेशेंट यहाँ पे लाया गया था फीमेल था कि मेल था? फीमेल पेशेंट था। क्या प्रॉब्लम थी उसको, आपको क्या लगा? प्रॉब्लम उसको ये थी कि वो पेशेंट को थोड़ा सा मतलब वो आ गई थी, चक्कर वगैरह आया था, चक्कर वगैरह आया था, उसके वाइटल्स हमने चेक किए थे वो सारे नॉर्मल आए, उसके बाद में एक इंजेक्शन उसको लगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि भाई अभी इसको रहने दो थोड़ी देर, मैं जैसे बाहर निकलता हूँ तो उनको पता नहीं किस बात पर गुस्सा था मेरे, तो मेरे पर हमला कर दिया एकदम से। ये डॉक्टर संदीप है, आपने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर दी है? हाँ जी, मैंने FIR लॉन्च करवाई है, अभी देखते हैं उसका आगे। जो डॉक्टर संदीप है जिनके साथ रात को मारपीट की गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो महिला पेशेंट यहाँ पर आई थी वह बेहोशी की हालत में थी, और जब वे जांच कर रहे थे उसी के दौरान उन्होंने इन पर हमला कर दिया। और आपको अब बता दूं कि जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं असलम चौधरी, मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। असम जी, क्या सारा मामला हुआ और अब आप जो बैनर पर बैठे हैं क्या डिमांड है आपकी? देखिए सर, ये जो है ये रात को डॉक्टर साहब के साथ हुई, पैरामेडिकल का सारा स्टाफ और डॉक्टर्स यहाँ पे आ गए थे तब, और हमने एक एप्लीकेशन भी FIR दर्ज करवाई है, उसके साथ हम ये चाहते हैं कि ये तीसरा चांस है यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे, जो कुछ लोग सारे लोग नहीं है, क्योंकि लोग हम ऐसे हम लोगों में से सारे लोग ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब तीसरा चांस है डॉक्टर के साथ, पहले हमारे पैरामेडिकल के साथ हुआ, उससे पहले फिर पैरामेडिकल के साथ हुआ, हम यहाँ पे छोटी चाहते हैं, तब तक हम स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे जब तक हमें कोई छोटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमारे 5 बंदे हमारे नाइट ड्यूटी है, क्योंकि हम लोगों की सेवा के लिए हमारी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे, जब हम सेफ ही नहीं है, खुद सेफ नहीं है, तो हम ड्यूटी क्या करेंगे यहाँ पे। हम ये चाहते हैं, हम अपने अफसर से और गवर्नर से यही डिमांड करना चाहते हैं कि हमारी जो है छोटी, क्योंकि हमने रात को यहां पे काम है, हम शेर रहे, शेर रहेंगे तो तब भी हम काम कर पाएंगे, तब भी तो लोगों की सेवा कर पाएंगे,
यही हम चाहते हैं, हमारी डिमांड बेसिकली स्ट्राइक ही चाहिए है आज के लिए। जय हिंद जय भारत। आज के दिन रखेंगे ये स्ट्राइक या आगे भी कंटिन्यू रखेंगे? आज के दिन हमने सिर्फ असेप्ट इमरजेंसी को एक्सेप्ट किया है कि इमरजेंसी जो है वो, क्योंकि हम लोगों में से लोग हम लोगों को राफ नहीं करना चाहते, हमने इमरजेंसी खोली हुई है। इन केस अगर आज या कल हमारे जो मसला हल नहीं हुआ, हमें शोर नहीं किया गया, तो हम इमरजेंसी भी टोटली बंद करेंगे। जिथे हमारे साथ असलम जी जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि जब तक इनको चोट नहीं दी जाती, इनकी सुरक्षा को लेकर और डॉक्टर के साथ मारपीट करने वालों को सजा नहीं दी जाती, तब तक ये अपने स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे। फिलहाल आज के लिए इन्होंने जो स्ट्राइक रखी है, और अगर जो इमरजेंसी पेशेंट आ रहे हैं उनको भी ये सर्विस मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं सामने जो अस्पताल में, क्योंकि अभी सुबह हुआ था, वक्त है और अस्पताल थोड़ी देर पहले ही जो खुला है, तो पेशेंट किस तरह से आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में सारी सुविधाएं बंद होने की वजह से जो पेशेंट जो है परेशान हो रहे हैं। हम कुछ पेशेंट के साथ ही बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी जहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, और कहीं मेरे साथ कुछ पेशेंट आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अरे क्या कहो भी, जिस तरह से डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, तो इस अब सेवाएं जो बंद था, आपको कितनी परेशानी हो रही है? अभी आए हैं, हमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं पर आपको तो नहीं पता है, लेकिन परेशानी कितनी हुई है आपको? मैं लागू नहीं अभी थे डॉक्टर के साथ जहाँ पे मारपीट की गई है रात को, अब आप एक बुजुर्ग महिला को लेकर आए, कितनी परेशानी हुई है? परेशानी तो आए बोलते, हम देखते ही नहीं अभी, रामगढ़ उधर नहीं हुई इमरजेंसी तो देख रहे हैं, ये न्यूज देख रहे हैं। एक महिला पेशेंट है, काफी बुजुर्ग है, काफी बुजुर्ग है जो महिला, इसको इनको जहाँ पर दिखाने के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टरों की स्ट्राइक की वजह से इनको जो काफी परेशानी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं अस्पताल के बीच दिखा रहा हूँ कि लोग अपने आप को दिखाने के लिए आ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइप की वजह से इन लोगों को परेशानी हो रही है। भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, बाकी जुड़े रहे दैनिक समाचार के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत, धन्यवाद।